नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार को 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में आए फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पुष्प गुच्छ देकर किया भव्य स्वागत। कड़ी सुरक्षा के बीच 45 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे सर्किट हाउस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का किया शुभारंभ। कहा, प्रेस नहीं साहित्य का मंदिर है गीता प्रेस। सनातन धर्म को व संस्कृति को बचाए रखने में गीता प्रेस की मंदिरों तीर्थस्थलों जितनी है महत्वपूर्ण भूमिका। धर्म व शासन के समाहित रूप हैं योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राष्ट्रपति का हुआ अभूतपूर्व स्वागत। लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के बीच वाहन से उतरे महामहिम, बढ़ाया कलाकारों का हौसला। राष्ट्रपति की अगवानी में 101 वेद पाठी विद्यार्थियों ने किया वैदिक मंत्रोच्चार। गोरखनाथ मंदिर में महामहिम ने की गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थली पर टेका मत्था, दी भावभीनी श्रद्धांजलि। गौशाला जाकर राष्ट्रपति ने की गोसेवा। नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर के साक्षी बने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामगढ़ताल में साउंड एंड लाइट शो का लिया आनंद। बच्चों से मिले राष्ट्रपति, बातचीत कर खूब पढ़ने आगे बढ़ने को बच्चों को किया प्रेरित। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निर्विरोध निर्वाचित होने पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने देश के प्रधानमंत्री मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया धन्यवाद। कहा, प्रदेश की जो भी समस्या होगी उसको सदन में उठाने का किया जाएगा काम। शीर्ष नेतृत्व के दिए गए दायित्वों का ईमानदारी से करूंगा निर्वहन। और गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 3.5 किलो की पुस्तक सचित्र रामचरितमानस व कल्याण का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ किया विमोचन। अब खबरें विस्तार से। 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में लगाया जनता दरबार। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और उसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी गौशाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने गायों को गुड़ खिलाकर प्यार दुलार किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर आते हैं तो जनता की समस्याओं को जनता दरबार लगाकर सुनते हैं, जिसमें प्रदेश के दूर दूर के हिस्सों से लोग आते हैं और अपनी समस्या को मुख्यमंत्री से एप्लीकेशन के माध्यम से बताते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तत्काल अधिकारियों से बात करके उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए निर्देश देते हैं। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एन जी, DIG जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, SSP डॉक्टर विपिन ताडा, SDM सदर कुलदीप मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। Thank you.
दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शनिवार को एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए थे। एयरपोर्ट विमान लैंडिंग करते ही सर्वप्रथम प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद, सांसद रवि किशन, जयप्रकाश निषाद, विधायक विपिन सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। उसके बाद राष्ट्रपति कड़ी सुरक्षा के बीच लगभग 45 गाड़ियों के साथ सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने लगभग 3 घंटे विश्राम किया। शाम को गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में भाग लिया। वहीं राष्ट्रपति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में 250 CCTV व 3000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम किया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि गीता प्रेस एक सामान्य प्रिंटिंग प्रेस नहीं, अपितु समाज का मार्गदर्शन करने वाला साहित्य का मंदिर है। सनातन धर्म और संस्कृति को बचाए रखने में इसकी भूमिका मंदिरों और तीर्थस्थलों जितनी ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति शनिवार शाम धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकों के प्रकाशन की विश्व प्रसिद्ध संस्था गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्तियों की अवधारणा रही है कि गीता प्रेस एक प्रेस होगा जहां मशीनें होंगी, कर्मचारी होंगे, पर आज जो देखने को मिला वह सिर्फ प्रेस नहीं बल्कि अद्भुत साहित्य मंदिर है। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास प्राचीन काल से धर्म और अध्यात्म से जुड़ा रहा है। हमारी अनुपम संस्कृति को पूरे विश्व में सराहा गया है। भारत के धार्मिक व आध्यात्मिक सांस्कृतिक ज्ञान को जन जन तक
पहुंचाने में गीता प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने गीता प्रेस के महत्व को रेखांकित करते हुए गीता के एक श्लोक का उद्धरण किया, यम इम परम गुहाम मद भक्ते स्वाभिध्यासति भक्तिमयमीम पराम कृत्वा मामेश्व से संशय। इसका अर्थ भी उन्होंने समझाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री कोविंद ने कहा कि संभवतः इस श्लोक की प्रेरणा से जयदयाल गोयंदंका जी के मन में गीता प्रेस की स्थापना का विचार आया होगा। जब इस प्रेस की नींव में ही भगवत प्रेम है तो इसका नाम गीता प्रेस होना स्वाभाविक ही था। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन हेतु विश्व की सबसे बड़ी संस्था है और इसमें कठिन दौर में भी सस्ते दर पर पुस्तकें उपलब्ध कराने का क्रम जारी रखा है। स्थापना काल से अब तक 70 करोड़ से अधिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए उन्होंने गीता प्रेस परिवार को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि भारत की सीमाओं से बाहर भी गीता प्रेस अपनी शाखाएं स्थापित कर रहा है। गीता प्रेस ने नेपाल में अपनी पहुंच को नई दिशा दी है। उम्मीद है कि पूरा विश्व भारत के दर्शन व संस्कृति से लाभान्वित होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा के दौरान वह भारतवासियों से मिलते हैं, उनके मन में अपनी संस्कृति के प्रति अपार लालसा है। उनकी लालसा को पूर्ण करने में गीता प्रेस का बड़ा स्रोत बन सकता है। विदेशों में गीता प्रेस के इस कार्य में राष्ट्रपति सचिवालय मदद उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि गीता प्रेस आगमन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह संयोग है या दैवयोग है यह नहीं कह सकता, लेकिन यह जरूर पिछले जन्मों के कुछ पुण्य का फल है। यहाँ कर्मचारियों से मिलने का अवसर मिला। उनकी निष्ठा, ईमानदारी, सद्भावना व अनुशासन अद्वितीय है। गीता प्रेस के मुख्य द्वार से लेकर यहाँ विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित ग्रंथ अनेकता में एकता के सिद्धांत को दर्शाने वाले हैं। राष्ट्रपति ने कहा गीता प्रेस व लीला चित्र मंदिर आकर उन्हें अनुभव हुआ कि अभी उनकी यात्रा अधूरी है। उनकी इच्छा यहाँ एक बार और आने की है। ईश्वर से वह प्रार्थना करेंगे कि उनकी यह इच्छा जल्द पूरी हो। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि प्राचीन काल से हमारे यहाँ धर्म और शासन एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। यहाँ मौजूद योगी आदित्यनाथ भी इन दोनों भूमिकाओं के समाहित रूप हैं। वह मुख्यमंत्री भी हैं और पीठाधीश्वर भी। दोनों भूमिकाओं का एक में समाहित होना बहुत बड़ी बात है। गीता प्रेस न केवल धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकों के प्रकाशन की विश्व प्रतिष्ठित संस्था है, बल्कि इसकी ख्याति इसके अनूठे लीला चित्र मंदिर के लिए भी है। गीता प्रेस आगमन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की प्रथम महिला नागरिक श्रीमती सविता कोविंद, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सबसे पहले लीला चित्र मंदिर का अवलोकन किया। इसे देख प्रसन्नता के भाव में वह अभिभूत नजर आए। लीला चित्र मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों के श्लोक संगमरमर पर लिखे हुए हैं। साथ ही देवी देवताओं के सैकड़ों चित्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीर और दादू के दोहों का अंकन भी मंदिर में किया गया है। इन सब का अवलोकन कर राष्ट्रपति भाव विभोर हो गए। वह बरबस ही बोल पड़े, इस समय यह कार्य संभव नहीं है। लीला चित्र मंदिर में उन्होंने सीडी के आकार की हस्तलिखित गीता देख यह जानने की जिज्ञासा जताई कि इसे किसने लिखा है। लिखने वाले की जानकारी न मिलने पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मैं मान लेता हूं कि जिसने गीता रची उन्होंने ही लिखवाई होगी। श्री कोविंद लीला चित्र मंदिर पहुंचने वाले दूसरे राष्ट्रपति हैं। 29 अप्रैल 1955 में इसका उद्घाटन करने देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद आए थे। तब उनके साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में अगवानी करने को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज उपस्थित हुए थे। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गीता प्रेस लीला चित्र मंदिर आगमन पर मुख्यमंत्री के साथ ही गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका निभा रहे योगी आदित्यनाथ अगवानी को मौजूद रहे। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष शुभारंभ समारोह के अवसर पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि गीता प्रेस विशुद्ध आध्यात्मिक संस्था है। गीता प्रेस से प्रकाशित विश्व प्रसिद्ध कल्याण पत्रिका के आद्य संपादक भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के प्रति श्रद्धा निवेदित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सत्य, प्रेम, शांति के माध्यम से मानवता की सेवा करने के लिए गीता प्रेस की स्थापना हुई।
आदर्श मानव व आदर्श समाज की स्थापना का भाव ही इसके मूल में है। यहाँ से प्रकाशित धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक पुस्तकों ने लोगों में आत्मचिंतन व आत्मशक्ति का जागरण किया है। इस संस्था को विश्व में सर्वाधिक सनातन साहित्य के प्रकाशन का गौरव प्राप्त है। राज्यपाल ने कहा कि घर घर रामचरितमानस व श्रीमद् भागवत गीता पहुंचाने का श्रेय गीता प्रेस को ही जाता है। उन्होंने कहा, जब उद्देश्य पवित्र होगा तो समस्याओं पर विजय प्राप्त होगी। गीता प्रेस इसका साक्षात उदाहरण है। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धार्मिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक साहित्य के माध्यम से गीता प्रेस देश की अपूर्व सेवा कर रहा है। साहित्य की सेवा कभी न मिटने वाली सेवा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता प्रेस 2 शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर राष्ट्रपति का आगमन गौरवशाली क्षण है। 1923 में 10 रुपए के किराए के भवन में जयदयाल गोयदंका जी ने जिस बीज का रोपण किया था, आज वह वटवृक्ष बनकर देश दुनिया में घर घर को धर्म संस्कार से जोड़कर देश सेवा का उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस से भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार का जुड़ना, कल्याण का प्रकाशन शुरू होना एक अद्भुत कार्य था। उस वक्त में भी कल्याण को घर घर तक पहुंचाया गया जब इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। सीएम योगी ने कहा कि गीता प्रेस की पुस्तकों में न तो विज्ञापन होता है और न ही व्याकरण की अशुद्धि। गीता तत्व विवेचनी में श्लोकों की विवेचना कैसी सहज हिंदी में की गई है, इसे कोई भी आत्मसात कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में गीता प्रेस की स्थापना का शताब्दी वर्ष आयोजित होना और इससे जुड़ना गोरखपुर वासियों व पाठकों के लिए उल्लेखनीय होगा। इस अवसर पर सीएम योगी ने गीता प्रेस से गोरखपीठ के जुड़ाव का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि 1955 में जब देश के प्रथम राष्ट्रपति गीता प्रेस के मुख्य द्वार व लीला चित्र मंदिर का उद्घाटन करने आए थे, तब उनके साथ मेरे दादा, गुरु व तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी भी मौजूद थे। आज राष्ट्रपति श्री कोविंद के आगमन पर यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में गीता प्रेस ट्रस्ट के महासचिव विष्णु प्रसाद चांदगोठिया, ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल, बैजनाथ अग्रवाल व अन्य ट्रस्टियों ने राष्ट्रपति, देश की प्रथम महिला नागरिक, राज्यपाल व मुख्यमंत्री को उत्तरीय व स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत किया। स्वागत संबोधन देवी दयाल अग्रवाल व संचालन गीता प्रेस में मैनेजर लालमणि तिवारी ने किया। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष शुभारंभ अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के समक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 ग्रंथों का विमोचन किया। इन दोनों ग्रंथों 300 रंगीन चित्रों के साथ आर्ट पेपर पर श्री रामचरितमानस और गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल गोयदंका द्वारा रचित गीता तत्व विवेचनी का प्रकाशन शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया है। मुख्यमंत्री ने दोनों ग्रंथों की प्रथम प्रति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट की। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल, राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सांसद गोरखपुर रवि किशन शुक्ल, सांसद बांसगांव कमलेश पासवान, महापौर सीताराम जायसवाल मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गीता प्रेस से जुड़े चंद्र प्रकाश जी ने कहा, राज्यपाल पूज्य महाराज जी, पता नहीं क्या पूज्य महाराज जी करने में ज्यादा अभिनेता लगती है कहने में, मजा आता वो दिखाया गया स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है सामने। शुद्धता
एवं प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करना एक संस्कृत ग्रंथों के तात्पर्य की गहन जानकारी अनिवार्य है, बल्कि साथ ही साथ रचित पुस्तक में शुद्धता एवं सहजता के साथ महिला नागरिक माननीय श्रीमती श्रद्धा कोविंद जी मंचस्थ होने को है, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। माननीय राष्ट्रपति महोदय, कृपया राष्ट्रगान प्रारंभ करें। माननीय पक्ष नहीं है, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए दो रास्ते होते हैं। अब आदरणीय मंच का स्वागत और गीता प्रेस का अति संदनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु परमादरणीय राष्ट्रपति महोदय माननीय, आज का कार्यक्रम भगवत कृपा से हो रहा है। इस अवसर पर जगत नियंता को नमन करते हुए गीता प्रेस के संस्थापक जिनकी संकल्प शक्ति एवं दूरदृष्टि का परिणाम आज गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के रूप में मूर्तिमान है एवं साथ में स्मरण करता हूँ कल्याण के आदि संपादक श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी को स्वागत करता हूँ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय की महामहिम राष्ट्रपति महोदय को तथा माननीय राज्यपाल महोदय को आपने ही बुलाया है, आपके ही निर्देशन में यह सब हो रहा है। मैं कुछ श्री महाराज जी को सादर प्रणाम करता हूँ, गोरक्ष पीठ का आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदा से ही। जो पुष्प गुच्छ लेकर के सम्मान करेंगे माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी को यानी कुछ हिंदू धर्म के प्रकाशन का साहित्य प्रकाशन का एक आदर्श और प्रमुख केंद्र गीता प्रेस के शताब्दी समारोह का शुभारंभ करने के लिए महायोगी बाबा गोरक्षनाथ के इस पावन धरा पर उपस्थित देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला सम्माननीय श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, गीता प्रेस के जनरल सेक्रेटरी श्री विष्णु प्रसाद चांदकोटिया जी, गीता प्रेस के ट्रस्टी श्री वैजनाथ अग्रवाल जी, आज के
इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, गीता प्रेस गोरखपुर के सभी ट्रस्टीगण, राजू भैया गोरखपुर के सभी गणमान्य नागरिक और उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम सबके लिए एक गौरवशाली क्षण है जब सनातन हिंदू धर्म के प्रकाशन का सबसे प्रमुख केंद्र जिसने विगत 100 वर्षों के अंदर 90 करोड़ से अधिक सनातन हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथों का प्रकाशन करके साहित्य के माध्यम से देश और धर्म की अत्यंत उल्लेखनीय और सराहनीय सेवा की है। आज अपने यशस्वी कालखंड के 100 वर्ष पूरा कर रहा है और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हम सबके सौभाग्य से देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का गोरखपुर में आगमन हुआ है। मैं पूरे गोरखपुर वासियों की ओर से, गीता प्रेस परिवार की ओर से और देश और दुनिया के सभी हिंदू धर्मावलंबी और सनातन धर्मावलंबियों की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। कदाचित कोई ऐसा परिवार देश के अंदर नहीं होगा जिसकी सनातन हिंदू धर्म में विश्वास हो और उसके यहाँ गीता प्रेस से जुड़ा हुआ कोई साहित्य न हो। और इस पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि गोरखपुर 1923 में मात्र 10 रुपए किराए के भवन में बीज का रोपण किया था, आज एक विशाल वट वृक्ष बनकर के पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर सनातन हिंदू धर्म के प्रकाशन को घर घर तक पहुंचा करके धर्म और संस्कार के साथ साथ हम अपने सत्कर्मों के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, यह एक उल्लेखनीय कार्य विगत 100 वर्षों से जो संस्था कर रही है उसका नाम है गीता प्रेस। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 1955 में आज से 67 वर्ष पूर्व संस्था के मुख्य द्वार का उद्घाटन करने और यहां का जो सबसे आकर्षण का केंद्र है चित्र प्रदर्शनी का उसका उद्घाटन करने के लिए उस समय के देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी विशेष रूप से यहां पर पधारे थे और आज उत्तर प्रदेश के ही सपूत महामहिम राष्ट्रपति जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है और 67 वर्ष के समारोह का शुभारंभ भी आज राष्ट्रपति जी के कर कमलों से हमारे महामहिम राज्यपाल जी और अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में ये प्रारंभ हो रहा है। गीता प्रेस साहित्य के माध्यम से देश और समाज की अपूर्व सेवा कर रहा है, ये उल्लेखनीय सेवा है। साहित्य की सेवा कभी न मिटने वाली सेवा होती है और एक लंबी यात्रा प्रारंभ की। सदैव भाई जी का गीता प्रेस के साथ जुड़ना, कल्याण का प्रकाशन गीता से होना, गीता प्रेस से होना और घर घर तक कल्याण को पहुंचा देना, तद्भुत काल है। उस कालखंड में जब साहित्य नहीं था, प्रकाशन नहीं था, इतनी एडवांस तकनीक नहीं थी,
उस समय भी गीता प्रेस इस कार्य को कर रहा था। एक रुपए की गीता की प्रतिलिपि, गीता की जो ग्रंथ था एक रुपए में इस प्रेस ने उपलब्ध करवाई है। और आज भी साहित्य प्रकाशन का कोई विज्ञापन नहीं, कितना पवित्रता के साथ, व्याकरण की कितनी शुद्धि है। सामान्य जिन आज यहाँ पे दो प्रमुख ग्रंथों का विमोचन इस मंच के माध्यम से हुआ है, तत्व विवेचनी को अगर आप देखेंगे एक एक संस्कृत के श्लोकों को कैसे उसकी विवेचना करके एक सामान्य हिंदी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसकी विवेचना कर सकता है और उसको बहुत सुगमता के साथ उसे ग्रहण करके उसको आत्मसात कर सकता है। और ये गीता प्रेस जैसे संस्थाओं के माध्यम से ही संभव हो पाया है और ये बहुत बड़ी सेवा थी। जब देश प्रतंत्र था तब गीता प्रेस ने 1923 में गोरखपुर में एक छोटे से मकान पर, किराए के मकान से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। आज एक विशाल पट वृक्ष बनकर के पूरे देश के अंदर छा करके सनातन हिंदू धर्म की एक उल्लेखनीय सेवा इस संस्था कर रही है। इस उल्लेखनीय सेवा से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों का जिन्होंने गोरखपुर के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, उस कार्यक्रम को उस समय बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य जहां ये संस्था उस समय से प्रारंभ की, आज हम सब इस बात को जानते हैं कि गीता प्रेस का कार्य जिसे उस समय गोरखपुर के श्री घनश्याम दास जी चौहान ने, श्री महावीर प्रसाद जी पोदार ने गोरखपुर में प्रेस की स्थापना करने का सुझाव दिया और गोयनका जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और उसके बाद जब भाई जी का गीता प्रेस के साथ जुड़ाव हुआ तो कल्याण जैसी पत्रिकाओं का यहां से प्रकाशन के साथ ही देश के घर घर में कल्याण पहुंचना। एक समय ऐसा था जब कल्याण को देखने के लिए लोग महीने भर इंतजार करते थे, डाक से ही वहां जाती थी। और उसके बाद अब तो तकनीक के माध्यम से सब कुछ सर्वसुलभ हो चुका है, सुगम हो चुका है, लेकिन उस कालखंड में भी गीता प्रेस इस कार्य को करता था। आजादी के आंदोलन में जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, आजादी के 75 वर्ष, और इस 75वें वर्ष में हम सबको देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हम इसके साक्षी बन रहे हैं, तब गीता प्रेस अपनी स्थापना का 100वां वर्ष आयोजित कर रहा है। पूरे एक वर्ष तक गीता प्रेस अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ेगा और इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ना गोरखपुर वासियों के लिए, गीता प्रेस के जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए, गीता प्रेस के जितने भी पाठक हैं उनके लिए अत्यंत उल्लेखनीय होगा। और इस अवसर पर जब इस दौरान गीता प्रेस की एक लंबी यात्रा चली है, उस यात्रा में तकनीक किस किस कदर बदलती रही, कैसे उतार चढ़ाव गीता प्रेस ने देखे हैं, ये सभी चीज मुझे लगता है पाठकों के पास अवश्य आने चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं गीता प्रेस को 100 वर्षों की उल्लेखनीय सेवा के लिए अभिनंदन करता हूँ। गीता प्रेस ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी ट्रस्टियों को हृदय से बधाई देता हूँ, सभी पाठकों को भी हृदय से बधाई देता हूँ। मैं इस अवसर पर देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का हृदय से गोरखपुर की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हम गीता प्रेस के शताब्दी समारोह को भी पूरी भव्यता के साथ आयोजित करेंगे और आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन को प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अमृत काल के रूप में इसे मान करके अगले 25 वर्षों की, क्योंकि जब गीता प्रेस अपना 125वीं जयंती के कार्यक्रम को, स्थापना के कार्यक्रम को आयोजित करेगा तब देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा और उस समय कैसा भारत होने चाहिए, उस सशक्त और समर्थ भारत के लिए हम सब भी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, क्योंकि गीता प्रेस है तो स्वाभाविक रूप से
श्रीमद् भगवद गीता उस कर्म की ही हमें प्रेरणा देता है। कर्मणे वादिवादस्ते माध्यमेषु कदाचन, और उस कर्म को करने के लिए निरंतर हम आगे बढ़ते रहे इस विश्वास के साथ मैं गीता प्रेस की उल्लेखनीय सेवा के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए शताब्दी समारोह के लिए पूरे गीता प्रेस परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि एक वर्ष का यह कार्यक्रम अनेक प्रकार से अपने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा। इस पूरे अभियान के प्रति मेरा भरपूर सहयोग रहेगा। गोरख स्पीड से गीता प्रेस का बहुत पुराना जुड़ाव रहा है, मिल जाता भाई, और उस पुराने जुड़ाव के साथ मेरे लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1955 में मेरे पूज्य दादा गुरु प्रभुनी महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज वे स्वयं इस कार्यक्रम के साक्षी उस समय बने थे। उस कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति जी के साथ स्वयं उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, और आज मुझे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ इस कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस अवसर पर मैं एक बार फिर से गीता प्रेस को इस पूरे उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। गीता प्रेस के मुख्य द्वार और लीला चित्र मंदिर के उद्घाटन के समय जिस भूमिका में तत्कालीन गोरखपीठाधीश पूज्य महाराज जी हैं, और दोनों कार्यक्रमों के 1955 के कार्यक्रम के और इस आज के कार्यक्रम गीता प्रेस से 72 वर्षों से जुड़े ट्रस्टी श्री बैजनाथ जी अग्रवाल, 1955 में ही ये उस समय जब आज भी गीता प्रेस की सेवा में है निरंतर आते हैं, हम नमन करते हैं गीता प्रेस की इनकी निष्ठा को। ये हम सबके लिए प्रेरणा है और आदर्श है। अब हम आशीर्वाद के लिए आमंत्रित करता हूँ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद एवं देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता जी का नमन करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। गीता प्रेस उस दिव्य संकल्प की छवि है जिसने इसकी स्थापना के लिए प्रेरक शक्ति का काम किया। सन 1923 में सत्य प्रेम और शांति के माध्यम से मानवता की सेवा के लिए इस गीता प्रेस की स्थापना की गई। मैं आप सभी को शताब्दी समारोह की बधाई देती हूँ। श्री पोद्दार जी ने इस गीता प्रेस के माध्यम से जन जन तक गीता का संदेश मुख्य रूप से आदर्श जीवन जीने का मर्म समझाने का प्रयास किया ताकि मानव को आदर्श मानव और समाज को आदर्श समाज बनाया जा सके। सन 1923 से यह प्रेस दुनिया भर में अपने साहित्य के माध्यम से नैतिकता और आध्यात्मिकता का प्रचार और प्रसार कर रहा है। मानव जीवन में धर्म कर्म और ज्ञान का सबसे अधिक महत्व है। ज्ञान के बारे में गीता में कहा गया है कि इस धरती पर ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। यह गर्व की बात है हनुमान प्रसाद गुप्ता जी श्रीमद् भगवद गीता के साथ ही सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाकर उनमें आत्मज्ञान आत्मचिंतन और आत्मशक्ति की भावना सशक्त करने का सराहनीय प्रयास किया। आज गीता मुद्रण में विश्व की सर्वाधिक हिंदू धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करने वाली संस्था बन चुकी है। इसके साथ ही यह हिंदी आध्यात्मिक मासिक पत्रिका कल्याण और अंग्रेजी मासिक पत्रिका कल्याण कल्पतरु का प्रकाशन भी होता है। गीता प्रेस के लिए एक विशुद्ध आध्यात्मिक संस्था है जिसमें लगभग 200 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस मुद्रणालय के माध्यम से देश दुनिया में हिंदी संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित धार्मिक पुस्तकों ग्रंथों पत्र पत्रिकाओं का विक्रय किया जा रहा है। सच तो यह है कि इस गीता प्रेस को भारत में घर घर रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता को पहुंचाने का श्रेय जाता है। गीता प्रेस की पुस्तकों की बिक्री 18 निजी थोक दुकानों के अलावा हजारों पुस्तक विक्रेताओं पर देश के 42 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बने गीता प्रेस के बुक स्टोरों के माध्यम से की
विचार है। इस प्रकार अगर यह देखा जाए तो गीता प्रेस लोगों को रोजगार से जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रेस के माध्यम से आज अनेक परिवारों की आजीविका चल रही है। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूंगी कि आज यह गीता प्रेस अपना शताब्दी समारोह मना रहा है। इतने लंबे सफर में इस गीता प्रेस ने अनेक उतार चढ़ाव का अनुभव किया, लेकिन अगर उद्देश्य पवित्र है तो निश्चय समस्याओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मानव जाति के कल्याण के लिए जो महान कार्य इसने किए हैं वो प्रेरणीय है। यह गीता मुद्रणालय भविष्य में और अधिक प्रगति करे तथा इससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। अंत में मैं राष्ट्रपति महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ अक्षर इस महत्वपूर्ण संस्था के शताब्दी समारोह के लिए निकाले। और कल्याण में जो पुस्तकों का विज्ञापन दिया जाता है उस पर भी आपकी दृष्टि रखते हैं माननीय राष्ट्रपति। अब समय मंच पर इतने व्यक्तित्व एक साथ आसीन है, यह एक संयोग नहीं दैव योग है। दैव योग ये क्षण इतिहास बनने वाला है। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी श्री विष्णु प्रसाद चांद गोटिया जी, गीता प्रेस के ट्रस्टी श्री वैद्यनाथ अग्रवाल जी, गीता प्रेस से जुड़े हुए अन्य पदाधिकारीगण और कर्मचारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जन, आज आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर पाया। ये एक संयोग है या दैव योग है मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इतना जरूर मानता हूं कि पिछले जन्मों के कुछ पुण्य का फल जरूर है कि आज मुझे इस सौभाग्यशाली समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। इस शुभ अवसर पर गीता प्रेस से जुड़े सभी लोग, चाहे वो पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, सबको मैं बधाई देता हूँ। यहाँ पर आने से पूर्व मुझे गीता प्रेस के सभी कर्मचारियों से मिलने का भी अवसर मिला। मैंने उनकी निष्ठा, ईमानदारी और सद्भावना इस प्रेस के लिए जो मैंने देखी वो अद्वितीय थी। उनकी निष्ठा, उनका अनुशासन, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसके पश्चात मुझे लीला क्षेत्र मंदिर के भ्रमण का भी सुअवसर प्राप्त हुआ और मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा था कि ये कल्पना जिन क्षेत्रों को सार्थक रूप दिया है वो किसी इंसान की नहीं हो सकती है। ये कल्पना तो किसी दैव योग से ही जिन चित्रकारों ने भी बनाया है उसे अद्भुत। और एक गीता की पांडुलिपि का भी मुझे देखने का सौभाग्य मिला, उसको दूरबीन से दिखाया। मैं हैरान था कि एक
किया गया है। ऐसा कौन सा इंसान तो नहीं हो सकता है, यदि यह इंसान होगा तो इंसान के रूप में उस पर भगवान की कृपा जरूर रही होगी। अभी मेरे मन में विचार आया था कि ये जो बड़े बड़े काम होते हैं इस संसार में, उसके पीछे दैवी शक्तियां होती हैं। और जब हनुमान जी का नाम आता है तो चाहे रामचरित मानस का हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो, दोनों युद्धों में, दोनों क्षेत्रों में हनुमान जी की अपना योगदान था। गीता प्रेस को भी आगे ले जाने में हनुमान जी की ही कृपा है, अर्थात हनुमान विचार प्रचार। देवी और सज्जनों, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए गीता प्रेस भवन में मेरा कभी नहीं आना, यद्यपि गोरखपुर आने का संयोग कई बार बना। जैसे सामान्य व्यक्तियों की एक अवधारणा थी, और अवधारणा केवल मात्र प्रेस की है कि भी एक प्रेस होगा, एक पुराना भवन होगा, सजाया गया होगा, अंडर होगा, जैसा भी होगा, उसमें कुछ कर्मचारी होंगे, कर्मचारियों की कभी कभी हड़तालें भी होती हैं, इनकी भी हुई थी, लेकिन उसमें भी दैव कृपा से सब ठीक हो गया। लेकिन एक सामान्य जो अवधारणा कि प्रेस क्या होता है, कि प्रेस जहाँ पर मशीनें लगी होंगी, छपाई का काम चल रहा होगा, वहाँ पर उनका पुस्तकों का हो अथवा जो भी साहित्य निकलेगा उसका वितरण की क्या व्यवस्था है, बेचने की क्या व्यवस्था है, वो सब व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध होगी। लेकिन आज तो मुझे देखने को मिला कि ये गीता प्रेस नहीं है, बल्कि ये साहित्य का एक मंदिर है। संभव नहीं हो सकता, प्रेस तो मुझे मशीनें देखने को नहीं मिली, लेकिन जो मशीनों को चलाते हैं या जो मशीनों को चलवाते हैं ट्रस्टी लोग, उनसे जरूर मेरी भेंट हुई। लेकिन मैंने एक अद्भुत चीज और अद्भुत वो कि ये सही मायने में नाम इसका गीता प्रेस है, लेकिन सनातन धर्म को यदि इसको बचाए रखने में, यदि हमारे मंदिरों और तीर्थ स्थलों का जितना योगदान है, उतना ही योगदान गीता प्रेस के द्वारा किया गया साहित्य। आज मुझे एक और प्रसन्नता, जब मैं यहाँ आया, कई कार्यक्रमों में जाना संभव होता है तो अभी देखता हूँ अपनी बहनों और बेटियों के बारे में, सोचता हूँ उनकी संख्या कम होती है और होती भी है तो कभी पीछे बैठने को मिलता है, लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला कि कम से कम आप लोगों ने न केवल स्थान दिया बल्कि अपने से भी एक ऊंचा स्थान। और इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं वो केवल न केवल एक दैवी गुण या सद्गुण के कारण ही हो सकती है, जिस किसी के भी मन में आया होगा, अन्यथा एक इसका दूसरा रूप भी हो सकता था कि उनको आगे बिठा दिया जाता और ट्रस्टी लोगों को वहां बिठा दिया जाता, एक ये भी हो सकता था। लेकिन मैं इन ट्रस्टीज का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि जिनकी इस प्रकार की सोच रही कि उन्होंने सोचा कि शायद ये मात्र शक्ति की जो ऊर्जा है वो हमसे भी बढ़कर है, वो कोच स्थान की वो अपना है। देवी और सज्जनों, भारत का इतिहास प्राचीन काल से ही अध्यात्म और धर्म से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के सम्राटों ने, राजा महाराजाओं ने प्रायः अपने अनुशासन में धर्म का भी पालन किया और कहा तो ये जाता था कि धर्म और शासन दोनों एक साथ चलते, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। आज वो दृश्य हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आदरणीय योगी जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी हैं और वो
वासियों का सम्मानित होना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धर्म और अनुशासन के समागम से हमारी भारतीय संस्कृति का अद्वितीय और अनुपम स्वरूप उभरता रहा। इस अनुपम संस्कृति को संपूर्ण विश्व में सराहा भी गया। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारत की संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा हजारों वर्षों से अविरल चलती आ रही है और भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बन चुकी है। मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान को जन जन तक ले जाने में गीता प्रेस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने प्रकाशन के माध्यम से गीता प्रेस ने हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक प्रसंगों को जनमानस तक पहुंचाया। मुझे बताया गया है कि गीता प्रेस की स्थापना के पीछे मंशा थी गीता का प्रचार प्रसार और जन जन में भगवत प्रेम जागृत करना। इस कार्य को आरंभ करने का श्रेय श्री जयदयाल गोयनका जी को जाता है। श्री जयदयाल गोयनका जी को सेठ जी के नाम से वो पुकारा जाता था। मुझे बताया गया कि ये उपनाम उनको संबोधन हेतु स्वामी श्री राम सुखदास जी ने दिया था जो उनके सभी अनुयायियों में प्रचलित हो गया। देवी और सज्जनों, भगवत गीता में एक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसका मैं इस सभा में जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। यम इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव ऐषति आसंश्रयः। अर्थात अत्यंत भक्ति से जो व्यक्ति इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों से कहेगा कि भगवान कृष्ण ने कहा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी श्लोक में आगे की पंक्तियों में यह भी स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति से न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है और न ही उससे बढ़कर मेरा प्रिय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई होगा। संभवतः इसी श्लोक की प्रेरणा स्वरूप सेठ जी ने कोलकाता में अपने कार्य के साथ ही सत्संग करना प्रारंभ किया। इन सत्संग सभाओं में गीता पाठ किया जाता था। उनकी यह सत्संग सभा क्रमशः लोकप्रिय होती गई और सत्संगों में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगी। सभी साधकों को स्वाध्याय हेतु गीता ग्रंथ की आवश्यकता थी, परंतु गीता की पुस्तक जो शुद्ध रूप और सही अर्थ से युक्त हो और सस्ती भी हो उस समय सुलभता से उपलब्ध नहीं थी। प्राय देखा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और यह पुनः सिद्ध हुआ जब भगवद गीता को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की इच्छा और सामान्य जनता को उपलब्ध कराने की भावना ही गीता प्रेस की स्थापना का कारण है। तदोपरांत श्री घनश्याम दास ज्यादा तथा श्री महावीर प्रसाद जी होता ने गोरखपुर में इस प्रेस को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा जिसे सेठ जी ने स्वीकृति दी। 1923 में गीता प्रेस की स्थापना हुई जिसने धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तक के प्रेक्षण के कार्य में एक नया इतिहास रचा। जिस जगह की नींव का उद्देश्य भगवत प्रेम और कथा का प्रचार प्रसार हो उसका नाम गीता प्रेस रखना स्वाभाविक है। इस प्रेस का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर प्रेम, सत्य सदाचार और सद्भाव के प्रचार हेतु मानव सेवा, सदग्रंथों इत्यादि का प्रकाशन करना। यह प्रेस भगवत गीता के अतिरिक्त रामायण, पुराण, उपनिषद, भक्त चरित्र इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित करता है। यह हम सबके लिए अत्यंत गर्व की बात है कि कोलकाता से शुरू की गई एक छोटी सी पहल अब संपूर्ण भारत में अपने कार्य के लिए सुप्रसिद्ध हो गई। मुझे बताया गया है कि अपनी स्थापना से लेकर मार्च 2022 तक की अवधि में गीता प्रेस से भगवद गीता के विभिन्न संस्करणों की 1621 लाख प्रतिलिपियां प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम रामचरित मानस, उपनिषद आदि पुस्तकों को सम्मिलित करें तो गीता प्रेस अब तक 70 करोड़ से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित करके एक कीर्तिमान स्थापित कर चुका है।
पढ़ते हुए गीता प्रेस ने अद्वितीय प्रतिष्ठा उपलब्धि की, जिसके लिए वो प्रशंसा के पात्र। कठिन दौर में भी जनमानस को सस्ते दाम पर धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए मैं गीता प्रेस को साधुवाद देता हूँ। इसके अतिरिक्त गीता प्रेस पत्रकार कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कल्याण का प्रकाशन 1926 से लगातार हो रहा है। इस पत्रिका के आद्य संपादक श्री हनुमान प्रसाद जी बोधार थे। आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याण के विशेषांकों का संग्रह ही साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित स्थान है। कल्याण पत्रिका संभवतः गीता प्रेस के सबसे प्रसिद्ध प्रकाशनों में से एक है। ये भारत में अब तक सबसे व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली धार्मिक पत्रिका है। यहाँ पर मैं जरूर उल्लेख करना चाहूँगा, मंत्री जी ने भी किया, ये बात सच है कि मैं कल्याण का एक साधारण पाठक हूँ। मुझे प्रतिमा मिलती है और उसके लिए मैं गीता प्रेस के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद भी देता हूँ। नेपाल में गीता प्रेस ने अपनी शाखा आरंभ
करके अपनी पहुंच को एक नई दिशा दी। मुझे बताया गया है कि विश्व के अनेक देशों में गीता प्रेस की पुस्तकें एवं प्रकाशन अत्यंत लोकप्रिय है। मैं आशा करता हूं कि गीता प्रेस की शाखाएं विश्व के अनेक प्रमुख देशों में भी स्थापित होगी और पूरा विश्व भारत की संस्कृति और दर्शन से लाभान्वित होगा। मैं एक अपना अनुभव भी आप सबसे साझा करना चाहूंगा कि मैं जब विदेश यात्रा पर राजकीय यात्रा होती है तो वहां पर मैं इंडियन डायस्पोरा के साथ इंटरेक्शन करता हूँ, उनसे मिलता हूँ और उनसे बातचीत के माध्यम से ये सारी जानकारियां कि उनमें कितनी लालसा है, कितनी उत्सुकता है भारतीय संस्कृति को बनाए रखने की, उसको मेंटेन करने की, हमारे संस्कारों की, हमारे विचारों की, हमारी परंपराओं को और उन सबका एक गीता प्रेस का साहित्य जो है वो एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना होगी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, और मैं चाहूँगा कि मेरा सेक्रेटरी भी आपको इसमें मदद करेगा कि भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उनके जितने भी हमारे मिशंस हैं, एम्बेसीज हैं, हाई कमिश्नर्स ऑफिस है, उनमें भी आपके साथ में एक इंटरेक्शन करवा करके आपके साहित्य को अधिक से अधिक हमारा इंडियन अंत में एक बार फिर मैं गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के आरंभ होने की आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ और इस संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय चंद्रप्रकाश की राष्ट्रपति पधारे, उनके विचार सुने, गीता प्रेस के बारे में बताई, बातें काफ़ी हद तक सही है, काफ़ी उन्होंने सही तरीके से बताया उनको और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार को 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में आए फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पुष्प गुच्छ देकर किया भव्य स्वागत। कड़ी सुरक्षा के बीच 45 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे सर्किट हाउस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का किया शुभारंभ। कहा, प्रेस नहीं साहित्य का मंदिर है गीता प्रेस। सनातन धर्म को व संस्कृति को बचाए रखने में गीता प्रेस की मंदिरों तीर्थस्थलों जितनी है महत्वपूर्ण भूमिका। धर्म व शासन के समाहित रूप हैं योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राष्ट्रपति का हुआ अभूतपूर्व स्वागत। लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के बीच वाहन से उतरे महामहिम, बढ़ाया कलाकारों का हौसला। राष्ट्रपति की अगवानी में 101 वेद पाठी विद्यार्थियों ने किया वैदिक मंत्रोच्चार। गोरखनाथ मंदिर में महामहिम ने की गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थली पर टेका मत्था, दी भावभीनी श्रद्धांजलि। गौशाला जाकर राष्ट्रपति ने की गोसेवा।
नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर के साक्षी बने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामगढ़ ताल में साउंड एंड लाइट शो का लिया आनंद। बच्चों से मिले राष्ट्रपति, बातचीत कर खूब पढ़ने आगे बढ़ने को बच्चों को किया प्रेरित। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निर्विरोध निर्वाचित होने पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने देश के प्रधानमंत्री मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया धन्यवाद। कहा, प्रदेश की जो भी समस्या होगी उसको सदन में उठाने का किया जाएगा काम। शीर्ष नेतृत्व के दिए गए दायित्वों का ईमानदारी से करूंगा निर्वहन। और गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 3.5 किलो की पुस्तक सचित्र रामचरितमानस व कल्याण का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ किया विमोचन। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply. रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। 2 की ड्राईक्लीन पर 1 कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार देर शाम गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया। पूरे विश्व में प्रसिद्ध नाथ पंथ की इस पीठ पर पधारे राष्ट्रपति का गोरखपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अभूतपूर्व स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद गौशाला जाकर गौ सेवा की और मुख्यमंत्री की तरफ से आयोजित जलपान में शामिल हुए। उनके साथ देश की प्रथम महिला नागरिक श्रीमती सविता कोविंद और प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल भी उपस्थित रहीं। गीता प्रेस में आयोजित समारोह के संपन्न होते ही राष्ट्रपति का काफिला सीधे गोरखनाथ मंदिर पहुंचा। यहां मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही उनका स्वागत
फरुआही मयूर आदि लोक नृत्यों से हुआ। इस प्रकार के अभूतपूर्व स्वागत से अभिभूत राष्ट्रपति अपने वाहन से उतर लोक कलाकारों के बीच पहुंच गए। उन्होंने कलाकारों की प्रस्तुतियों पर ताली बजाकर और उनसे आत्मीय संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। मंदिर के मुख्य द्वार पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, देवी पाटन शक्तिपीठ के महंत मिथिलेश नाथ व गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। 101 वेद पाठी विद्यार्थियों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों की गूंज के बीच श्री कोविंद मुख्य मंदिर में शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा के समक्ष पहुंचे और श्रद्धावनत होकर दर्शन किया। यहां राष्ट्रपति के साथ गुरु गोरखनाथ संस्कृति विद्यापीठ के 3 आचार्यों ने विधि विधान से पूजन करवाया, प्रक्रिया संपन्न कराई। गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने के उपरांत राष्ट्रपति श्री कोविंद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की समाधि पर पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर पुष्पार्चन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गोरखनाथ मंदिर आगमन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंदिर की गौशाला में भी पहुंचे। यहां उन्होंने गौ सेवा करते हुए गायों को गुड़, रोटी व हरा चारा खिलाया। गौवंश के बीच कुछ पल व्यतीत करते हुए राष्ट्रपति बेहद प्रसन्न नजर आ रहे थे। मंदिर की गौशाला का भ्रमण करने के बाद राष्ट्रपति श्री कोविंद मंदिर परिसर स्थित ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार पहुंचे। यहां उनके सम्मान में मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की तरफ से जलपान का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में समाज के 170 अति विशिष्ट जनों को भी आमंत्रित किया गया था। राष्ट्रपति एक एक करके इन सभी विशिष्ट जनों से मिले और उनसे परिचय प्राप्त किया। राष्ट्रपति से मुलाकात करने वालों में महापौर सीताराम जायसवाल, राज्यसभा सदस्य शिवप्रताप शुक्ल, जयप्रकाश निषाद, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सांसद रवि किशन शुक्ल, कमलेश पासवान, प्रवीण निषाद, विधायक राजेश त्रिपाठी, सरवन निषाद, फतेह बहादुर सिंह, श्रीराम चौहान, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, MLC विशाल सिंह, ब्रिगेडियर पंकज सिंह, दीपेंद्र रावत, ग्रुप कैप्टन आकाश चोपड़ा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे, गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर AK सिंह, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक सुबोध दीक्षित समेत गणमान्य उद्योगपति, व्यापारी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारी शामिल रहे।
नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर, इस हकीकत के साक्षी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी बने। गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरखपुर और महान समाज सुधारक संत कबीर की साधना स्थली मगहर के लिए दो दिवसीय दौरे पर पधारे राष्ट्रपति ने शनिवार रात गोरखपुर की नैसर्गिक झील रामगढ़ ताल की खूबसूरती का दीदार किया। इस साल का निखरा सौंदर्य देख वह प्रफुल्लित हो उठे। रामगढ़ ताल की जेटी से उन्होंने साउंड एंड लाइट शो का आनंद उठाया और गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक विरासत से रूबरू हुए। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष शुभारंभ समारोह में सम्मिलित होने तथा गोरखनाथ मंदिर जाकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने के उपरांत राष्ट्रपति श्री कोविंद रामगढ़ ताल पहुँचे। दशकों तक उपेक्षित रहा यह ताल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के खूबसूरत स्थलों में शामिल होने के साथ महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र के रूप में भी विख्यात है। रामगढ़ ताल की खूबसूरती ने राष्ट्रपति का भी मन मोह लिया। चारों तरफ से जगमग रोशनी के बीच ताल को निहारने के बाद राष्ट्रपति ने देश की प्रथम महिला नागरिक श्रीमती सविता कोविंद, प्रदेश राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साउंड एंड लाइट शो का आनंदित भाव में अवलोकन किया। करीब 45 मिनट के साउंड एंड लाइट के लेजर शो के जरिए राष्ट्रपति शिवावतारी गुरु गोरखनाथ, गोरखपीठ के मूर्धन्य महंत जनों, महान साहित्यकार प्रेमचंद, फिराक गोरखपुरी के व्यक्तित्व और कृतित्व की गाथा से रूबरू हुए। साउंड एंड लाइट शो में भगवान श्री राम के पुत्र कुश की नगरी तथा भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर व संत कबीर की साधना स्थली मगहर के बारे में भी जानकारी दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब रामगढ़ ताल की जेटी पर पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में बच्चे उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। वेलकम टू गोरखपुर ऑनरेबल प्रेसिडेंट लिखी तख्तियाँ लिए इन बच्चों के पास पहुंचे राष्ट्रपति ने न केवल उनका अभिवादन स्वीकार किया बल्कि करीब 10 मिनट तक वह उनसे बातचीत करते रहे। आत्मीय संवाद करते हुए राष्ट्रपति ने इन बच्चों को खूब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने कुछ बच्चों से खाने पीने को लेकर हंसी ठिठोली भी की। साउंड एंड लाइट शो का आनंद उठाकर जाते वक्त भी राष्ट्रपति ने हाथ हिलाकर बच्चों का अभिवादन स्वीकार किया। निर्विरोध निर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि संगठन का प्रतिनिधि हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझको दिल्ली भेजा है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद मिला है, जिनकी वजह से मुझे राज्यसभा भेजा गया है। इस तरह मैं संगठन का एक प्रतिनिधि हूं। संगठन मुझे जो भी दायित्व देगा उसको पूरा किया जाएगा। संगठन जिन भी मुद्दों को मुझसे राज्यसभा में उठवाना चाहेगा उसको पूरा किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश की जो भी समस्या होगी उसको सदन में उठाया जाएगा। जो भी शीर्ष नेतृत्व मुझे जिम्मेदारी देगा अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करूंगा। उन्होंने कहा, सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं गोरखपुर की जनता को देता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे 20 सालों से अपना आशीर्वाद दिया है, जिनकी वजह से 20 साल विधायक रहा। गोरखपुर की राजनीति व जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है। अब राज्यसभा सांसद बन गया हूं, वह भी जनता की देन है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, कहाँ गए वो भी दिख रहे थे खैया जी सांसद। देखिए, मैं तो पहले आपको धन्यवाद दूंगा। आप लोगों ने एक निष्पक्ष न्यूज चैनल की तरह जब से आप आए हैं आपने मेरे काम को, मेरे विचारों को बिना किसी पूर्वाग्रह के और खुले दिल से जनता के बीच में पहचाने का काम किया है। तो मैं बाकी तो जो भी कहूँगा पहले आपको आभार प्रकट करूँगा। अब आप पूछिए क्या करेंगे। देखिए, अब मैं संगठन का प्रतिनिधि हूँ, भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री सम्मानी नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुझको दिल्ली लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री
संगठन शास्त्र के अद्भुत शिल्पी हैं। भाई अमित शाह जी ने मुझको आशीर्वाद दिया है, अपनी सौम्यता और मृदुलता के लिए पहचाने जाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने मुझे अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है और संगठन मर्मज्ञ उत्तर प्रदेश के महामंत्री सुनील मंचल जी की छाया तले में बढ़ा हूँ। तो अब मैं संगठन का दिल्ली में प्रतिनिधि हूँ। संगठन जो भी दायित्व दे उसे पूरा करना है, संगठन जिस भी मुद्दों को मुझसे राज्यसभा में उठवाना चाहे उसे पूरा करना है। उत्तर प्रदेश के जो भी समस्याएं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मुझे निर्देशित की जाए, सदन में उठाना है तो ऑफिस के लेकर फाइलों में दौड़ना है तो वो सब मुझे करना है। और संगठन जिस भी प्रकार की जिम्मेदारी संगठन ने मुझे चुना है, संगठन का मैं प्रतिनिधि हूँ, इस नाते संगठन जो भी जिम्मेदारी छोटी से छोटी दे, प्रज्ञा प्रमुख की दे वो बड़ी से बड़ी दे, हर जिम्मेदारी को समभाव से पूरी निष्ठा और पूरी सफलता के साथ संपादित करना है। ये सब मेरा काम है और यही मैं करूँगा। जनता के लिए क्या करना चाहिए? मेरे पास शब्द नहीं है नागरिकों के लिए। गोरखपुर लोकतंत्र की एक प्रयोगशाला थी, मैंने अपने आप को उस प्रयोगशाला की भट्टी में जलाने का काम किया था। मैं 20 साल से विधायक हूँ। जब मैंने अपने रास्ते पर शुरुआती दौर पर चलने पर प्रयास किया 2002 में, तो बहुत से लोग मुझको समझ नहीं पा रहे थे। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जो राजनीति पिछले 20 सालों में गोरखपुर की हुई है और जिस प्रकार से जनता ने अपने बड़प्पन का परिचय दिया है, शायद ही इस प्रकार की राजनीति कहीं हुई हो, शायद ही इस प्रकार के नागरिक कहीं हो। मैंने कभी किसी को कोई पैसा नहीं दिया, इसलिए क्योंकि किसी ने मांगा नहीं। मैंने कभी किसी का गलत काम नहीं किया, इसलिए कि कोई नागरिक मेरे पास गलत काम कराने आया नहीं। मैंने कभी जातिवाद नहीं किया, क्योंकि हमारे नागरिकों ने जाति धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके ऐतिहासिक मतों से मुझे हमेशा विजयी बनाया है। सोचिए, पहला चुनाव में 18,000 से जीता, दूसरे में मेरी मार्जिन 28,000 थी, तीसरे में 48,000 थी और चौथा चुनाव 17 में मैं 62,000 से जीता, जब मैंने घर से प्रचार नहीं किया था, कहीं नुक्कड़ सभा नहीं की थी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे व्यक्ति को, जो एक अलग प्रकार की राजनीति कर रहा था, गोरखपुर के नागरिकों ने अपने दिल में बैठाया, मैं उनके परिवार का हिस्सा बना। इस नगर के जितने पुरुष वर्ग के लोग चाहते थे उससे अधिक महिलाओं ने मेरा साथ दिया, बच्चों ने, नौजवान बच्चों ने मेरा साथ दिया और मैं कह सकता हूँ कि पूरी भारत के लोग जो राजनीति करना चाहते हैं उनको गोरखपुर में आकर के देखना चाहिए कि जनता वास्तव में अपने राजनेता से अपेक्षा क्या करती है। आज मैं अगर दिल्ली पहुँच रहा हूँ राज्यसभा में, तो इसके जो असली ताकत है वो जनता का प्यार है, जनता का स्नेह है। हमारी पार्टी जानती है कि गोरखपुर के नागरिक 20 साल के अपने इस विधायक को कितना अधिक प्यार करते हैं। आज वो मुझे वहाँ अवसर दे रहे हैं, इस अवसर के पीछे हमारे नागरिक की ताकत है और इसलिए मैं अपने नागरिकों के प्रति हमेशा एहसानमंद रहा हूँ। आज मैं उनका विधायक नहीं रहूँगा, उनका सांसद नहीं रहूँगा, राज्यसभा में भाजपा का सांसद रहूँगा, लेकिन किसी भी पद पर मैं रहूं, उनके दायित्व का निर्वहन करता हुआ, उनकी समस्याओं का समाधान करता हुआ मैं आपको हमेशा मिलूंगा। आज भी किसी नागरिक से मेरी कोई दूरी नहीं स्थापित होगी। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सचित्र रामचरितमानस व कल्याण पुस्तक का विमोचन किया। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में भाग लिया। सर्वप्रथम गीता प्रेस पहुंचते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लीला चित्र मंदिर पहुंचे, वहाँ पर भगवान राम, कृष्ण और विष्णु की विभिन्न लीलाओं का अवलोकन किया। तत्पश्चात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंच पहुंचकर 2 पुस्तक रामचरितमानस कल्याण का विमोचन किया। आपको बता दें यह पुस्तक लगभग 3.5 किलो की है। इसमें 300 रंगीन चित्रों के साथ आर्ट पेपर पर प्रकाशित रामचरितमानस गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल गोयदनका द्वारा लिखित गीता तत्व विवेचनी का परिवर्धित संकरण
शामिल है। राष्ट्रपति के साथ ही उनकी पत्नी सविता कोविंद, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पुस्तक विमोचन में शामिल हुए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया था। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। थोड़ी चूक हो जाती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब बारी है दो ग्रंथों के विमोचन का। एक ग्रंथ है तात्कालिक है और सार्वभौमिक है, वह है श्रीमद् भगवद गीता। ये तत्वेचरी टीका का उसको मंच तक आदर पूर्वक सम्मान होता है। श्रीमद् भगवद गीता तत्वेदी टीका है। इसके टीका का ये बता दें कि अब तक गीता की कुल 16,18,85,000 से अधिक दुनिया किताबें से प्रकाशित हो चुकी है। अब बारी है माननीय मुख्यमंत्री जी के यानी पूज्य श्री महाराज जी के करतनों द्वारा इसका विमोचन हो रहा है। ये पूरी पुस्तक 8 पेपर पर छपी है। 300 से अधिक इसमें रंगीन भगवान के लीला की किताबें हुआ है और शायद ऐसा प्रकाशन अभी तक और किसी प्रकाशक के द्वारा। देख के खुशी हो रही है कि ये रामचरित मानस की जिसका विमोचन हो रहा है वो आज महामहिम के हाथ में प्रथम लेडी जो देश की है प्रथम नागरिक है उनके हसन से अनुमति लेकर के ऑफिस खोल करके उसको निकलवा करके और माननीय राज्यपाल महोदय गुजराती की बोले गुजराती क्या है आप गुजराती की पुस्तक हम लोग राजभवन में जब मिलने गए थे तो श्रीधरी जी का वहां राजभवन में रामचरितमानस। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार को 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में आए फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पुष्प गुच्छ देकर किया भव्य स्वागत। कड़ी सुरक्षा के बीच 45 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे सर्किट हाउस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का किया शुभारंभ। कहा, प्रेस नहीं साहित्य का मंदिर है गीता प्रेस। सनातन धर्म को व संस्कृति को बचाए रखने में गीता प्रेस की मंदिरों तीर्थस्थलों जितनी है महत्वपूर्ण भूमिका। धर्म व शासन के समाहित रूप हैं योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राष्ट्रपति का हुआ अभूतपूर्व स्वागत। लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के बीच वाहन से उतरे महामहिम, बढ़ाया कलाकारों का हौसला। राष्ट्रपति की अगवानी में 101 वेद पाठी विद्यार्थियों ने किया वैदिक मंत्रोच्चार। गोरखनाथ मंदिर में महामहिम ने की गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थली पर टेका मत्था, दी भावभीनी श्रद्धांजलि। गौशाला जाकर राष्ट्रपति ने की गोसेवा। नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर के साक्षी बने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामगढ़ ताल में साउंड एंड लाइट शो का लिया आनंद। बच्चों से मिले राष्ट्रपति, बातचीत कर खूब पढ़ने आगे बढ़ने को बच्चों को किया प्रेरित। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निर्विरोध निर्वाचित होने पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने देश के प्रधानमंत्री मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया धन्यवाद। कहा, प्रदेश की जो भी समस्या होगी उसको सदन में उठाने का किया जाएगा काम। शीर्ष नेतृत्व के दिए गए दायित्वों का ईमानदारी से करूंगा निर्वहन।
और गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, 3.5 किलो की पुस्तक सचित्र रामचरितमानस व कल्याण का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ किया विमोचन। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।